हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? रचना जी, कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? खाली ब्रेक नहीं लगाते, क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं मैडम। ये स्कूटी नहीं है ना कि खाली ब्रेक लगा दो, हमेशा क्लच लेके ब्रेक लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा क्लच लेके ब्रेक लेते हैं। जब भी अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को स्लो करना चाहती हैं या रोकना चाहती हैं, हॉर्न दो बच्चों को, राइट दबाओ स्टीयरिंग और राइट। हाँ, तो हमेशा पहले क्लच लेते हैं, क्लच पूरा लेते हैं, फिर ज़रूरत अनुसार ब्रेक 10%, 20%, 30%, थोड़ा स्पीड कम रखो, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई व्हीकल आएगा तो आप पहले पूरा क्लच दबाएंगी, फिर ज़रूरत है तो ब्रेक लेंगी, नहीं तो क्लच को रिलीज कर देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं सिंगल रोड पे। ये है सिंगल रोड और ये फॉरेस्ट वाला एरिया। यहाँ पे क्या है ना, बहुत कंजेस्टेड है, बट ये बिजी बहुत रोड है। ये रोड जो है बिजी बहुत है, क्योंकि इस रोड पे अगर हमने कार चला ली तो हर जगह हम चला सकते हैं। मैडम 3 और 9 पे पकड़ो स्टीयरिंग, वॉश टाइम जो होता है 3 और 9 का, ठीक है। अभी हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, हाँ चलते रहो। अब राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है या फिर किसी को आप पास दे रहे हो, अब सामने से कार आ रही, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, ठीक है। राइट वाला पैर ब्रेक पे, दबाना नहीं, बस खाली हल्का सा लेफ्ट आओ। हाँ चलो, निकल गई, सीधा चलना है, सीधा। जब भी ये सिंगल रोड है, अगर जरा सा भी आपने गलती से बाय मिस्टेक एक्सेलेटर दब गया तो गाड़ी टकरा सकती है। वो दबता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बाय मिस्टेक दब जाता है घबराहट की वजह से। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ काऊ खड़ी है सामने, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हॉर्न दीजिए, दो आंटी सामने जा रही है, राइट रखो। अब यहाँ पे गाय को भी बचाना, सामने आंटियों को भी बचाना है। जाने दो धीरे धीरे, हाँ। अब ये रोड और ज्यादा सकरा है, जो भी पीछे रोड था वो 8 से 10 फीट का था, और इसकी चौड़ाई क्या होगी इस रोड की, क्या लग रहा है आपको? वो 10 फीट का था, ये 8 फीट का है। वो 10 फीट का था और ये 8 फीट का है। तो यहाँ पे अगर एक बाइक भी सामने से आएगी ना आपके, तो भी स्लो स्लो भगाना नहीं है, तो भी आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक अगर साइड में नीचे उतारेगा तो स्लिप कर जाएगा। तो वो कोशिश ये करेगा बाइक वाला कि वो रोड पे ही रहे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, हल्का राइट रखो। राइट रखो, राइट 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 राइट, काऊ को लगेगी। अभी मैंने क्या बोला था कि राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए जब भी किसी व्हीकल को हम पास देते, चाहे बाइक हो चाहे कार हो कुछ भी हो, क्योंकि आप बिगनर हो, आप बिगनर हो तो आपको तुरंत के तुरंत एक्सीलेटर नहीं लेना है। अब यहाँ से हमें चलना है एकदम सीधा चलना है। तो राइट साइड से एक बार नजर डाल लो कि राइट साइड से कोई व्हीकल या कोई गाड़ी या कुछ ऐसा आ तो नहीं रहा है। हल्का लेफ्ट ही रखना, राइट मत रखो, थोड़ा लेफ्ट दबा के रखो, ताकि सामने से अगर बाइक स्कूटी कुछ भी आए तो उसके लिए स्पेस हमें छोड़ना है। अब यहाँ पे मैडम ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं हो, पैरों में थोड़ा गैप बना के रखो। जो राइट वाला पैर है, देखो कार कहाँ जा रही, राइट वाला पैर जो है उसमें थोड़ा गैप बना के रखना, ताकि एक्सीलेटर और ब्रेक पे ईजिली आपका पैर आ जाए, है ना। अगर आप सटा के रखोगे दोनों पैर तो फिर आप ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दोगे बाय मिस्टेक, ठीक है। राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, हाँ लेफ्ट आओ, हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा डाउन हील है, तो यहाँ पे क्या करना, पहले पूरा फुल क्लच दबाओ, हल्का ब्रेक लो, फुल क्लच दबाओ और हल्का ब्रेक लो, सीधी करो स्टीयरिंग, ब्रेक लो थोड़ा, स्टीयरिंग सही से पकड़ो, 3 और 9 पे जाओ, लेफ्ट आओ, चलो धीरे धीरे खिसकाओ, धीरे धीरे, हाँ थोड़ा लेफ्ट आओ ना, सामने बाइक वाले को भी तो बचाना है। राइट रखो, अब राइट, इधर टकरा जाएगी, हाँ चलो जाने दो धीरे धीरे। बढ़ाओ स्पीड, हाँ और लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी स्लोपिंग है, तो स्लोपिंग पे आपको हल्का सा एक्सेलेटर लेना पड़ेगा। घबराना नहीं है, हल्का राइट रखो, थोड़ा हिली एरिया आ रहा है, थोड़ा रास्ता खराब है आगे चल के,
ये रोड छोड़ना नहीं है, इसी रोड पे चलना है आपको, इस रोड को अब यहाँ पे थोड़ा हॉर्न दीजिए, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, सामने से बाइक या कार कोई भी आ सकती है। ब्रेक पे पैर रखो मैडम, एक्सेलेटर की जरूरत नहीं है, टर्निंग से पहले ये सब कट जो राइट रखो हल्का, ब्रेक पे पैर इसीलिए तो रखवाया कि थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो डाउन ही ले, गाड़ी अपने आप भाग रही है, भाग रही है ना, हल्का राइट रखो। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी पूरा फुल क्लच लेना है जब मैं बोलूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, हल्का राइट रखो। हाँ, हल्का राइट, और राइट, और राइट, मैडम राइट बोल रहा हूँ राइट, और आप लेफ्ट लेके जा रही हो, मैंने तीन बार आपको राइट बोला, आप बार बार लेफ्ट। अब यहाँ पे पूरा क्लच दबाओ फुल, अब धीरे से ब्रेक लगाओ, हाँ सीधी करो स्टेयरिंग, अब स्टॉप करो गाड़ी यहाँ पे, क्लच नहीं, हाँ अब इसको पहले गियर में करो, इसको पहले गियर में करो, गुड। अब पहले ब्रेक को थोड़ा सा रिलीज करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि डाउन ही ले गाड़ी भागेगी आपकी, ठीक है। हाँ जाने दो, धीरे धीरे नीचे मत उतारना, आराम से, हाँ ब्रेक हल्का, हाँ नीचे मतलब लेफ्ट आओ, उधर मत जाओ, खाई है, और लेफ्ट आओ, थोड़ा लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, बस। अब क्लच ब्रेक को फ्री करो, फ्री करो, हाँ जाओ हल्का सा रेस लो, हल्का सा काटो राइट, काटो राइट, हाँ अब सीधी करो, सीधी स्टीयरिंग, सीधी सीधी सीधी, हाँ चलो लेफ्ट आओ, ये सब डिफिकल्ट जगह, सीधी कर लो स्टीयरिंग, ये सब डिफिकल्ट जगह होती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट जगह। अभी ज़रा सा वहाँ एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो गाड़ी कहाँ जाती, गड्ढे में, खाई में, राइट साइड में। स्पीड बढ़ाओ, हाँ लेफ्ट आओ, हाँ बढ़ाओ स्पीड, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, हाँ लेफ्ट दबा के, वेरी गुड, छोड़ो क्लच, हाँ हल्का राइट ही रखो ताकि कार आपकी झाड़ में ना जाए, ठीक है, और हल्का राइट रखो, हाँ स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे। ये सीखने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, सीखने के लिए हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट, मैडम जब मैं राइट बोलता हूँ तो आप लेफ्ट क्यों घुमाने लगती हो, हाँ हल्का राइट रखो, हाँ इसको क्लच दबा के फर्स्ट गियर में करो, नहीं लगा गियर, क्लच ही नहीं दबाया अपने तो गियर कहाँ से लगेगा, हाँ चलो सीधा चलना है सीधा, जब आप क्लच नहीं सही से दबाओगी तो कैसे, अब स्टीयरिंग छोड़ दो यहाँ पे, हाँ चलने दो, छोड़ दो स्टीयरिंग, छोड़ दो आप, छोड़ दो, हाँ चलो आगे से राइट रखना है, हल्का राइट, हाँ और राइट, हाँ अभी सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, हाँ 3 और 9 जाओ, हाँ हल्का सा एक्सीलेटर लेना, ज्यादा नहीं, और राइट रखो थोड़ा, और हाँ मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं भी उतर जाऊंगा गाड़ी से, आप अकेले चलाओगी, ठीक है, इंश्योरेंस है आपका, नहीं है, सीधा रखो, सीधा सीधा सीधा, धीरे से यहाँ से उतारना है, क्लच ब्रेक पे पैर रखो, दबाना कुछ भी नहीं है, चलो जाओ धीरे से, चलो हल्का सा रेस लो, सीधा सीधा सीधा, हाँ हाँ अब लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, हाँ लेफ्ट, चलो ये सामने ग्राउंड दिख रहा है आपको, सीधी करो गाड़ी, सीधी करो, बस इस ग्राउंड में आपको अपने दिलो दिमाग को एकदम फ्री करके चलाना है, ठीक, अभी किधर जाना, अब आपको चलाना है यहाँ पे, हाँ पहला गियर, दूसरा गियर, गाड़ी को रोकना, गाड़ी को बढ़ाना, अभी यहाँ मैं रिवर्स करना भी सिखाऊंगा, जितना बड़ा राउंड ले सकते हो, जितना बड़ा राउंड, अब पूरी स्टीयरिंग राइट घुमा दो, फुल फुल घुमा दो, जल्दी से फुल फुल, अब ये घूमिए, घूम ही रहने दो मैडम, घूम ही रहने दो, अपने हिसाब से चला लो, जब आपको सुननी नहीं है तो फिर हम क्या ही बताएं, अपने हिसाब से, नहीं नहीं सुननी नहीं आपको तो हम क्या बताएं, चलो
मैं आपको वहाँ पे स्टीयरिंग का कंट्रोल कराना सिखा रहा था कि स्टीयरिंग को कैसे क्या करना है, बट आप अपनी कहानी बता रही हो, क्योंकि ऑन रोड पे ये चीजें नहीं सीख सकते हम। ऑन रोड पे 90 डिग्री से स्टीयरिंग नहीं घुमा सकते चलते ट्रैफिक में। अभी चलने दो सीधा, हाँ अभी स्टीयरिंग 39 पे है, अब पूरा स्टीयरिंग घुमाओ फुल फुल, ये डेढ़ राउंड हो गए, ठीक है। क्लच ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर छूना नहीं है आपको, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलेगी। अब देखो जीरो बनेगा, बनने दो पूरा। राइट वाला मिरर रिकॉल करो, राइट वाला मिरर रिकॉल करो, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना स्टीयरिंग घुमाने से कितनी गाड़ी टर्न हो पाती है। अब ये लास्ट है, इसके बाद स्टीयरिंग आपका नहीं घूमेगा, इससे कम जगह में ये रोटेट नहीं हो पाएगी, ये जो सर्कल बना है इससे कम जगह में नहीं बन सकता। तो ये आपने स्टीयरिंग किधर घुमाया था, राइट साइड, तो कार का हिस्सा किधर जा रहा है, राइट साइड। अब इसी को हम अभी लेफ्ट कराएंगे, जब मैं बोलूंगा तो पूरी लेफ्ट घुमा देना। अब सीधा करो स्टीयरिंग फटाफट, अब ये सीधा हो गया, ठीक। अब पूरी लेफ्ट घुमा दो डेढ़ राउंड, डेढ़ राउंड में पूरा स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, ठीक है, डेढ़ राउंड में पूरा स्टीयरिंग आपका लॉक हो जाता है। अभी आपने लेफ्ट घुमाया तो कार का हिस्सा, अगला हिस्सा लेफ्ट जा रहा है, क्लियर हो गया। अभी जैसे कि सपोज स्टीयरिंग सीधा करना है, तो स्टीयरिंग सीधा करो जरा, ये हाफ राउंड हुआ और ये एक राउंड हो गया, सीधा हो गया। चलो अभी स्टॉप, चलो टर्न कर लो, टर्न कर लो, कोई नहीं टर्न कर लो, हाँ टर्न करो, हाँ जाने दो। अब स्टीयरिंग सीधी कर लो, हो गई। अब यहाँ पे कार को स्टॉप करो, पूरा क्लच और बहुत लाइटली ब्रेक, ब्रेक धीरे से लगाया, क्लच ब्रेक छोड़ते नहीं, क्लच दबाने के बाद, उसके बाद तब तक क्लच नहीं छोड़ते जब तक हमें अगला स्टेप ना लेना हो। अब आपने पूरा क्लच दबाया देन ब्रेक लगाया, अब गाड़ी को बढ़ाना है तो पहले आप ब्रेक को छोड़ो फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना। चलो ब्रेक को फ्री करो, हाँ। अब आपको जहां चलाना हो वहां चला लो अपने हिसाब से। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।